साथ दिव्या अग्निहोत्री नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नए साल को यादगार बनाने की तैयारियां हुई पूरी, शांति दौड़ के साथ होगा आगाज। नए साल की शुरुआत के साथ होंगे कई बदलाव, नहीं चलेंगे पुराने डेबिट व क्रेडिट कार्ड। साल के आखिरी सोमवार किला मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने साल भर की गलतियों के लिए की भगवान से क्षमा याचना। महिला आईटीआई में रजत जयंती समारोह हुआ संपन्न, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ स्मारिका का विमोचन। नगरपालिक निगम की उड़नदस्ता टीम ने मेन रोड से लेकर गुरुद्वारा मार्ग तक हटवाया अतिक्रमण। और अब खबरें विस्तार से। नए साल को यादगार बनाने की तैयारियां हुई लगभग पूरी, शांति दौड़ के साथ होगा आगाज। नए साल को यादगार बनाने के लिए हर उम्र के लोग कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। यंगस्टर जहां घूम फिर कर पार्टी मनाकर न्यू ईयर का वेलकम करते हैं, तो वहीं बड़े भगवान का आशीर्वाद लेकर। और इस बार मंगलवार ने इसे और भी खास बना दिया है। भगवान हनुमान का दिन होने की वजह से चिरौला मंदिर में लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी, जो पूजा पाठ के साथ इस नए साल की शुरुआत करेंगे। तो रीवा शहर अपने पिछले 32-33 सालों का क्रम दोहराएगा। नए साल की सुबह के साथ ही टीआरएस कॉलेज से शांति दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी उम्र के लोग शामिल होकर शहर को शांति का संदेश देंगे। मंगलवार नया साल कुछ नए बदलाव लेकर आएगा, आइए जानते हैं कुछ नए बदलावों के बारे में। डेबिट व क्रेडिट कार्ड पुराने वाले नहीं चलेंगे। जी हाँ, मैग्नेटिक स्टिक वाले कार्ड बंद, अब चलेंगे EMV चिप वाले कार्ड। इंश्योरेंस के बीमे के प्रीमियम भरने की जानकारी अब SMS के जरिए भी मिलेगी। पेंशन धारियों के लिए सुख भरी खबर, अब उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी चेकबुक रद्दी की टोकरी में, जी हाँ पुरानी चेकबुक अब नहीं चलेगी। नए साल में नई चेकबुक चेक ट्रैक्शन सिस्टम वाली, इसका मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक चक्कर लगाने का काम खत्म। इस चेक में वॉयड पेंटोग्राफ होता है, इसे कॉपी नहीं कर सकते। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 1 लाख से बढ़कर 15 लाख ट्राई के नियम में बदलाव। 31 जनवरी तक मन चाहे चैनल चुनना पड़ेगा, उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनल देख सकेगा। टीवी ब्रॉडकास्टर्स को प्रत्येक चैनल व पूरे ग्रुप का मूल्य बताना पड़ेगा। कुछ और भी बदलाव हमें नए साल में देखने को मिलेंगे, जिससे हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। साल के आखिरी दिन किला मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने साल भर की गलतियों के लिए भगवान से की क्षमा याचना। यूं तो हर सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए खास होता है। भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार किला मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन ये सोमवार कुछ ज्यादा ही खास था। महीने के आखिरी सोमवार के साथ ये साल का भी आखिरी सोमवार था, जिसके चलते किला परिसर में सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। भक्त साल के इस आखिरी दिन के आखिरी सोमवार को अपने भगवान से आशीर्वाद लेकर साल भर की अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करते नजर आए। साथ ही आने वाले साल के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि तथा शांति प्रदान करने की भगवान से कामना भी की। घंटी महिला आईटीआई का रजत जयंती समारोह हुआ संपन्न, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्मारिका का हुआ विमोचन। महिला आईटीआई का रजत जयंती समारोह आईटीआई में धूमधाम से मनाया गया। हम आपको बता दें, महिला आईटीआई की स्थापना 1993 में की गई थी,
जिसकी स्थापना के आज पूरे 25 साल होने को आए। 25वीं सालगिरह को यादगार बनाने को लेकर संस्था ने स्मारिका का विमोचन किया, साथ ही मौके को यादगार बनाने के लिए लड़कियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। हम आपको बता दें, महिला आईटीआई में इस समय ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर जैसे अनेक ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्पीकर निगम सर हैं, उनके सानिध्य से बहुत सारे लेख उसमें प्रकाशित हुए थे, उसके कुछ अंश इस यहाँ पर चतुर्वेदी बैठे हैं, वैज्ञानिक प्राचार्य हैं, इन्हें तो हम अभूतपूर्व कहते हैं। अभूतपूर्व इसलिए कि हम सबकी शुभकामनाओं से पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत वर्ष का एक रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है कि अपनी आयु पूर्ण हो जाने के बाद भी 3 वर्षों तक और ये कार्यक्रम भी नहीं करते रहे, पूर्ण लाभ उसका आर्थिक लाभ इन्होंने लिया है और ये संसद इस रूप में दिखाई देती है, ये निश्चित रूप से इनके प्रयासों का परिणाम है। और अभूतपूर्व इसलिए कहा कि भूत हुए नहीं है, अस्वस्थ गड़बड़ नहीं हो गया, इनका भी जोरदार तालियों से बार अभिनंदन हो जाए। आयोजित हुआ था इस संस्था में, उन सब के फोटोग्राफ्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और प्रयास किया गया है कि इन 25 वर्षों का लेखा जोखा इस शिल्प दर्पण में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। निश्चित रूप से टीम वर्क का ही प्रयास रहा, ये असाध्य कार्य लग रहा था। नगरपालिक निगम की उड़नदस्ता टीम ने मेन रोड से लेकर गुरुद्वारा मार्ग तक का हटाया अतिक्रमण, साथ ही अवैध रूप से छज्जे आदि का निर्माण कराने वाले लोगों को 3 दिन के अंदर तोड़ने का दिया अल्टीमेटम। शहर के व्यस्ततम इलाकों में जाम की एक बड़ी वजह होती है अतिक्रमण, जिससे निजात दिलाने के उद्देश्य से नगरपालिक निगम की उड़नदस्ता टीम के द्वारा सड़क के किनारे संचालित दुकानों के बाहर सड़क तक बिखरे सामानों को हटाकर अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें मुख्य मार्ग से होते हुए गुरुद्वारा मार्ग तक की सड़कें शामिल थी। इसके साथ ही सड़क की जगह पर अवैध रूप से छज्जे आदि बनाने वाले लोगों को 3 दिन के अंदर इन्हें तोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया, साथ ही ऐसा ना करने वालों को नोटिस देकर 3 दिन बाद यह कार्य नगर निगम के द्वारा ही किया जाएगा और खर्च की राशि घर के मालिक से वसूल की जाएगी। कार्यवाही ये जो रोड में कवर किए हुए हैं अस्थायी रूप से, तो इनको हटाया गया है, इनको वो दिया गया है अल्टीमेटम कि आप ये जो छज्जा में बढ़ाए हुए हैं रोड पे नाली से बाहर आप कब्जा किए हैं, उसको तोड़ लीजिए और ये जितनी सेट बने हैं। कब तक के लिए टाइम दे इनको? 3 दिन का टाइम दिया गया है, 3 दिन बाद अगर ये नहीं हटाते हैं तो इनका सेट हम लोग तोड़ेंगे, जो भी खर्च आएगा नोटिस के माध्यम से वसूलेंगे, क्योंकि ये नगर निगम का काम नहीं है, इनके द्वारा स्वयं की गलती है और उसका हम खामियाजा पूरी जनता और हम स्वयं भुगतते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक कार्रवाई चलेगी? ये गुरुद्वारा वाला ये एरिया भी हमको लोगों को मिला है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया खबरें तमाम छपी जा रही हैं और पब्लिक को परेशानी होती है, उसके लिए निर्णय लिया गया है आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार। मामूली गुटके का विवाद सिमरिया होते हुए रीवा के महिला थाने पहुंचा। मझियार थाना सिमरिया में एक छोटी सी पान की दुकान में महज 20 रुपए के पाउच को लेकर बाद विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। विवाद सिमरिया थाने से होता हुआ रीवा के महिला थाने पहुंचा। हम आपको बताते हैं पूरा मामला, महज 20 रुपए के गुटके से प्रारंभ हुआ। रानीबाई मझियार में गुटके की दुकान घर पर ही संचालित करती हैं। गांव के ही लोगों ने गुटका खाया, पैसा मांगने पर मारपीट की,
रानी और उसके बेटे रोहित ने सेमरिया थाने में शिकायत की। उसके बाद भी पुलिस ने कोरी का शिकायत की के बाद पढ़ रही हूँ। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, उल्टे मारपीट फिर हुई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ फरियाद लेकर रानी और उसके पुत्र रोहित ने रीवा के महिला थाने का रुख किया। ये क्या हुआ था कि किराना की दुकान थी, बाला किराना की दुकान में बैठा था तो पवन सिंह ने यार आश्री 20 वाली मांगे दे दिया। जब ये पैसा मांगे तो कहा कि मैं नहीं दूंगा, फिर इसके बाद चले गए। इसके बाद लौट के आते हैं तो इसको पीटने लगे और नटाई दबाए थे, चक्कू लगाए थे। फिर जब हम इधर समूह में जुड़े थे तो रीवा आ गए थे, मैडम मेरी, मैं पुतौ गला। फिर जब यहाँ से गए शाम के 8 बजे तो इसी ने बताया, तो हमने गए, वो सरोज सिंह सरपंच का लड़का है, तो हमने कहा जाके माँ बाप से रहन दे आए। तो जैसे जाते हैं तो मेरी वाइफ ने कही कि दादू काहे मारे भैया का, तो कहीं हट मारो नहीं तो यहाँ से हैं। अब उठा के राड मारने लगा, इसके बाद भागा तो वो कहा कि गोली मार देंगे, भागा अंदर गया, तो इतने में हम लोग वहाँ से भाग दिए। कौन कौन था मारने वाला? अमन सिंह। अकेला था वो? अकेला था। कहे से मारपीट किया? वो राड से मारा। कब की घटना है ये? 27 की है, 8 बजे। शनिवार को महिला को भालू ने घायल किया, वहीं रविवार को जंगली सुअर ने। जी हां, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पिछले 2 दिनों में जंगली जानवरों से पीड़ित 2 लोग अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। पहली घटना शनिवार मझौली की थी, जहां खेत में चारा काट रही महिला पर भालू ने हमला किया था। वहीं रविवार को गोविंदगढ़ के शिवपुरवा की रहने वाली छोटी पटेल को सुबह सुबह जंगली सुअर ने अपना शिकार बना डाला। छोटी पटेल सुअर के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। बस से कुचलकर 7 साल की बालिका की मौत, वहीं छोटे भाई से विवाद, बड़े की हुई पिटाई। पहली घटना मनगवा थाने के समान गंगेयों में घटी, जहां पर 7 साल की बालिका संध्या को रविवार की सुबह बस ने ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। वहीं रीवा के कोतवाली थाना अंतर्गत रानी तालाब के पास रहने वाली कालिया को तुलसी और छोटू ने बेवजह पीट दिया, जबकि कालिया के अनुसार उसकी कोई गलती नहीं थी। इनका विवाद उसके भाई दिलीप के साथ हुआ था। कालिया को पहले तुलसी व छोटू ने उपराटी के पास पीटा। कालिया जब अपने घर पहुंचा तो एक बार दोनों ने फिर उसके घर पहुंचकर फिर से पीट दिया। ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। मनोरंजन के लिए आप बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। नमस्कार। खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है।